बोल रहे। अरे पहले पहले आप सर नंबर से अब सर्वप्रथम जो हमारी कैंपेन की रेडियो जिंगल है, सबसे पहले हम वो चलाएंगे, उसके पश्चात हमारा कैंपेन सॉन्ग, उसके पश्चात हमारा टीवी, और उसके पश्चात जो पांच चार धाम चार काम के जो पांच क्रिएटिव्स बनाए वो आपके सामने रखेंगे। सरल दम हुड़का बजाओ कांग्रेस आ रही है, शान से कहो कि अब कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस हमारी है। चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, स्वास्थ्य सुविधा हर गांव, 500 के अंदर गैस के दाम, 500 के अंदर गैस के दाम, 4 लाख को रोजगार, स्वावलंबन राशि का उपहार, हर साल 40,000 लेंगे 5 लाख परिवार, लेंगे 5 लाख परिवार। कांग्रेस लाए खुशियां, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है। बिगाड़ा काम बिगाड़ा ना हमसे होगी गलती दोबारा, मिशन बना के नल लगाए जिसमें पानी ही ना आ रहा, जिसमें पानी ही ना आ रहा। कोविड जांच के घोटाले से कुंभ की गरिमा को घटाया, जाने हजारों कोरोना ने ली पर सुध लेने कोई ना आया, सुध लेने कोई ना आया। बदलने हालात अब कांग्रेस हिलानी है, कांग्रेस हिलानी है, कांग्रेस हिलानी है। महंगाई से सब लड़ रहे, युवा पलायन कर रहे, जो दे के मौका गलती की भुगतान उसका कर रहे, भुगतान उसका कर रहे। उद्योगों की हालत खस्ता, सड़के गायब, कच्चा रास्ता, चौपट हुआ पर्यटन हमारा, आग पे रख दी महिला सुरक्षा, आग पे रख दी महिला सुरक्षा। बदलने हालात अब कांग्रेस हिलानी है, कांग्रेस हिलानी है, कांग्रेस हिलानी है। चार धाम चार काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। और दम हुड़का बजाओ कांग्रेस हारी है,
शान से कहो कि अब कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस हमारी है। सरल कैंपेन सॉन्ग चार धाम चार काम वास्ता थी रात अंधेरी डबल इंजन नाकाम कांग्रेस अपनी वापिस होगी जागे उत्तराखंडी स्वाभिमान चार धाम चार काम चार धाम चार काम गंगासी बहे तरक्की शहर शहर और गांव हाथ से बदलेंगे हालात चार धाम चार काम चार धाम चार काम चार धाम चार काम अब हम हमारा जो टीवी में जो प्ले करेंगे हम हमारा कैंपेन उसकी एक झलकी आपके सामने रखना चाहेंगे। चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान चार लाख को रोजगार स्वावलंबन राशि का उपहार हर साल 40,000 देंगे 5,00,000 परिवार देंगे 5,00,000 परिवार कांग्रेस लाए खुशहाली उत्तराखंड की बारी है। चार धाम चार काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। अब हम जो हमारे 5 क्रिएटिव्स हैं चार धाम चार काम के वो प्ले करेंगे। चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान स्वास्थ्य सुविधा हर गांव 500 के अंदर गैस के दाम 500 के अंदर गैस के दाम कांग्रेस लाए खुशहाली उत्तराखंड की बारी है उत्तराखंड की बारी है उत्तराखंड की बारी है। चार धाम चार काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। अब मैं आग्रह करूंगा
सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी से कि वह इस ऑफिशियल कैंपेन को आज ऑफिशियली लॉन्च करें और अपनी बात आप सबके सामने रखें। आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी। आज के पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय गणेश गुड़ियाल जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता, आदरणीय हर सिंह रावत जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, दीपिका पांडे सिंह जी सहप्रभारी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गौरव वल्लभ जी, साथ ही हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रवक्तागण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है इस देवभूमि में आकर आप सब से रूबरू हूं और आप सब से चर्चा करूं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2002 में पहली चुनाव जब उत्तराखंड के जब हुए और आदरणीय रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मुझे पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी 5 विधानसभाओं की, और तब से आना जाना लगा रहा। और आज AICC के द्वारा इलेक्शन थीम सॉन्ग के लॉन्च और यहाँ के VCO के बारे में चुनावी चर्चा करने के लिए भी मुझे भेजा है, तो पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चार धाम चार काम, उत्तराखंड में चार धाम के महत्व हम सभी जानते हैं, और जब हम लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं तो चारों धाम के बिना संतुष्टि नहीं मिलती। तो चार धाम और चार काम महत्वपूर्ण इसलिए है, चार काम प्रमुखता से जो बताया गया, आज पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। भारत सरकार NSSO के डाटा तक जारी नहीं कर रही है कि देश में बेरोजगारी कितना है, और निजी जो सर्वे है उसमें मोदी जी की सरकार में सर्वाधिक बेरोजगारी इस देश में, महंगाई चरम पर है, और लोगों के आय में भारी कमी आई है। इस दौर में आपने देखा कि किस प्रकार से गरीब और गरीब होते गए और अमीर हो गए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, चुनाव अभियान समिति ने आज कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें यही सब बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखा गया घर का, घर में रसोई का। मोदी जी ने तो रसोई गैस बांट दिया, लेकिन जैसे ही रसोई गैस बटा, 400 450 के गैस सिलेंडर आज 950 हो गए। इसका अर्थ यह है कि आम उपभोक्ताओं को ग्राहक बनाया गया अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, और वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम
गरीब आदमी उसका उपयोग भी नहीं कर पा रही, और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ाए लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा हमारे कांग्रेसजनों ने की, हमारी सरकार बनती है तो घर के अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए बहुत जरूरी निर्णय लिया है। दूसरा जो निर्णय है, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के इनकम घट गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का फैसला, ताकि गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार भी सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, नौजवानों की बात, जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, 4 लाख परिवारों को रोजगार देने की बात। और चौथा जो है, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश, 60% जंगल, और यहां मौसम आए दिन खराब होते रहता है, कभी भी बादल घिराते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग की समस्या होती है। ऐसे में किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं और यहां के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, ताकि सबको स्वास्थ्य मिले, सबके रोजगार की व्यवस्था, सबके इनकम की व्यवस्था और सबके घरों की अर्थव्यवस्था बनी रहे। आदरणीय साथियों, इस मंच में 3 प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, एक तो आपके उत्तराखंड के हैं, दूसरा झारखंड से हमारे गौरव जी हैं और दीपिका जी हैं, और तीसरा मैं छत्तीसगढ़ से। तीनों राज्य एक साथ बने और इस सौभाग्य से तीनों राज्य के नेता एक मंच में बैठे हैं, और मोहन प्रकाश जी तो आपके सहोदर भाई हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो तीनों प्रदेश के हम लोग बैठे हुए हैं। 2 प्रदेश में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, अब तीनों जब यहां बैठे हैं तो तीसरे राज्य में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास। और आपने देखा 5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने के बाद भी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा समाप्त की गई, 3-3 बार बदले गए, एक मुख्यमंत्री तो चुनाव का सामना ही नहीं किया, दूसरे मुख्यमंत्री जी के इतिहास का ज्ञान आपने देखा कि देश अमेरिका के अधीन 200 वर्ष तक के गुलाम रहे, और तीसरी की बात कोरोना को भी जीव बताया गया। ऐसे अद्भुत ज्ञानी व्यक्तियों को खोज खोज के मोदी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है, तो उत्तराखंड के इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको आपने जिसने सम्मानित करके बिठाया था, तो अब स्वाभिमानी उत्तराखंडी इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले, और स्वावलंबन के लिए, इस प्रदेश के स्वाभिमान के लिए और इस प्रदेश के तरक्की और विकास के लिए
जो आपके 14 फरवरी को मतदान होगा उसमें कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और तरक्की के राह में उत्तराखंड चल पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 के चुनाव में राहुल जी छत्तीसगढ़ गए थे और उन्होंने जो जो वायदे किसान वहां से जनता से किया वो सारे कार्य हमारी सरकार कर रही है। चाहे वो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, चाहे आदिवासियों के तेंदुपत्ता जो खरीदी करते हैं उसे 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी करने की बात हो, चाहे वो ऋण माफी की बात हो, चाहे बिजली बिल आधा करने की बात हो, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात हो। और एक नया काम हम लोगों ने किया छत्तीसगढ़ में वो है गोबर खरीदने का। आज छुट्टा जानवर से किसान परेशान है, खासकर उत्तर प्रदेश में मैं भी ऑब्जर्वर हूं तो वहां मैं लगातार जा रहा हूं। किसान रात रात भर जग के अपनी फसल बचाते हैं, भी नहीं बचा पा रहे हैं और मवेशी फसल को सफा चट कर रहे हैं। वही हालात हमारे यहां भी थे और उसमें हमने गोधन न्याय योजना लागू की जिसमें 2 रुपया किलो में गोबर हम खरीद रहे हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, गौ पालकों के आय में वृद्धि हो रही है और सबसे बड़ी बात आज पूरे देश में जहां डीएपी और यूरिया की कमी है, जहां उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लाइन में लगे लगे 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, मध्य प्रदेश जो उन्हीं का राज्य है भारतीय जनता पार्टी का है, वहां थाने उनकी लड़ाई थाने तक पहुंच रही डीएपी की लड़ाई, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में डीएपी की भारी किल्लत होगी। तो जैविक खेती की तरफ बढ़ने के लिए हमने उसकी शुरुआत की है। तो ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार केवल बातें भर कर सकते हैं, काम ये नहीं कर सकते। आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थिति थी, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, यहां कितना भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है और किस प्रकार से लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो ये कोरोना भी नहीं लड़ पाए, ताली थाली बजाते रहे। दूसरी तरफ देश को नोटबंदी जीएसटी के आग में झोंक दिया गया और तीसरे तरफ लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में निजात पाना है तो आप तो पहाड़ों के रहने वाले हैं, देवभूमि के हैं, दूसरे देवभूमि में भी उपचुनाव हुआ जिसे हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में वहां के मतदाताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की चारों सीट में हराए। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन 5 रुपया पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी आई। तो इसका अर्थ यह है कि महंगाई यदि कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। ये संदेश मिल चुका है। मैं समझता हूं कि पहाड़ी की भाषा पहाड़ी ज्यादा अच्छा समझेंगे और उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी, महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक सुंदर उत्तराखंड बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। एक मिनट के लिए, जब वहां चुनाव हुए तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से हमने वहां की जनता की डिमांड के हिसाब से हमने घोषणा पत्र जारी की और उसको हम पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अभी अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहां के परिस्थिति के हिसाब से यहां के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो इसका मतलब यहां हुआ इसका वहां भी होगा ऐसा नहीं है। और ये
मैं हर जगह सुन रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मेरे सवाल करवाते हैं। पूरे होने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी कहने से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव के घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें यहां लागू होगी। मैं यदि मैं उसके बारे में यदि बात करूंगा बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे देश में महंगाई और पर मंदी का असर है, पूरे देश में मंदी का असर है। आप किसी भी एजेंसी सर्वे करा लीजिए या टेलीफोन के पता कर लीजिए, किसी व्यापारी से, उद्योगपति से, आम जनता से, मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 22 लाख किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं। किसान आज हर प्रकार से संपन्न हुए, उसी प्रकार से अभी हमारे राज्य में बहुत जल्दी हम भूमिहीन श्रमिकों को भी 6000 रुपया देने जा रहे हैं, मजदूरों के भी। 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता दिया जा रहा है। तो वहां मंदी का कोई असर नहीं है और चूंकि उसके आय में वृद्धि हुई है, इस कारण से महंगाई का भी वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो दूसरे प्रदेशों में दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, हमारे भाई ने जो सवाल उठाया, मैं ये बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये हमारे राज्य का घोषणा पत्र बनना है, यहाँ के बारे में, और वो लॉन्च करने आ रखे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मेजर तौर पर उत्पादक राज्य है, वहां खेती और विशेष तौर पर चावल वहां का एक प्रमुख उत्पादन है, वहां की अर्थव्यवस्था का आधार है, और उत्तराखंड उपभोक्ता प्रमुख तौर उपभोक्ता राज्य है, और यहाँ के उपभोक्ता के ऊपर गैस की मार बहुत जबरदस्त पड़ रही है, इसलिए हमने गैस से उसको राहत देने के लिए ये वादा अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया है और पूरे कैलकुलेशन के साथ किया है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि हमको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम देश के भविष्य के घोषणा पत्र के लिए संदेश दे रहे हैं कि गैस के दाम नहीं होंगे 500 के पार, तो वो सौभाग्य आप उत्तराखंड के साथ जुड़ा रहने दीजिए, और मैं समझता हूँ आप दोस्तों को भी पसंद आएगा। जी, एक मिनट साथियों, आदरणीय साथियों, एक मिनट सर, हम तीन सवाल लेंगे क्योंकि ये घोषणा पत्र का हमारा लॉन्चिंग था। आदरणीय साथी ने एक बात कही, हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बात कही। आदरणीय साथी, जो CPI होता है ना, इन्फ्लेशन रेट को जो मानने का, वो पिछले 4 सालों से उत्तराखंड का देश से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का नहीं है। आदरणीय साथी, जो रोजगार की दर है ना, पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में 10% गिरी है, छत्तीसगढ़ में नहीं गिरी है आदरणीय साथी पिछले 2 साल में। तो ये कुछ पैमाने होते हैं। एक मिनट, मेरे को बस एक का ही जवाब देने दो। और दूसरा, हर राज्य की अपनी प्रायोरिटी होती है, हर राज्य के अपने फोकस एरिया होते हैं। तो हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात कह दी। मैं अब 3 सवाल और लूंगा और इसी से संबंधित सवाल लूंगा। जी, आप अपने सवाल और स्पष्ट करिए। जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपने अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल का उत्तर जानने का अधिकार हर उत्तराखंड वासी का है। देखिए, 918.50 रुपए में अभी सिलेंडर के दाम है आज देहरादून में। हम कह रहे हैं कि कोई भी हालत में 500 के पार नहीं होगा, तो अर्थात 418.50 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट उस सिलेंडर को सब्सिडाइज्ड करेगी। देश उत्तराखंड में ऑन एन एवरेज प्रति परिवार 6.25 सिलेंडर का कंजम्पशन है, ये भी डाटा है आदरणीय साथी। तो
तो कुल मिला के पर फैमिली जो सब्सिडी हुई गैस सिलेंडर पे वो सालाना हुई 2615 रुपए। तो टोटल फैमिलीज है उत्तराखंड में वो है 24 लाख, तो टोटल सब्सिडी का बिल आया 700 करोड़ के नीचे। तो क्या उत्तराखंड की सरकार अपने बजट का 1.1% भी महिलाओं को जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है रसोई गैस के दाम से उनके लिए खर्च करने का अधिकार नहीं? हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है। मौजूदा सरकार की प्रायोरिटी खनन करना है, घोटाले करना है, हरिद्वार में धार्मिक भूमि में घोटाले करना है। फिर आपको मैं और एक मिनट सारी बात बता देता हूं। फिर आप कहेंगे कि साहब 40,000 5 लाख परिवार, दूसरी योजना का भी पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा आपके सामने रख देता हूं। 40,000 5 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ का प्रतिवर्ष स्टेट के ऊपर एक्सचेकर के ऊपर एक इंपैक्ट आता है। 2,000 करोड़ उत्तराखंड के जो वार्षिक एक्सपेंडिचर है उसका होता है 3.5%। क्या 3.5% हम उत्तराखंड के उन परिवारों की स्वावलंबन राशि नहीं देनी चाहिए जिन लोगों को मोदी सरकार ने महंगाई से त्रस्त कर दिया? फिर आपको तीसरा जो हमारा जो वचन है उस पर भी बात कर लेता हूं। जो हम कह रहे हैं एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी हर गांव हर द्वार, उसके लिए हम बाइक एम्बुलेंसेज हैं, ड्रोन डॉक्टर्स हैं, ड्रोन प्रेस्क्रिप्शंस है, ड्रोन मेडिकल डिलीवरी, पूरा मॉडल है हमारे पास। इसके बारे में हर काम के ऊपर मैं 1 घंटा आपसे बात कर सकता हूं इतनी रिसर्च करके, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया, क्योंकि हमें पता है कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, कांग्रेस जो कहती है वह करती है। और चौथा और अंतिम जो हमारा वचन है वो है 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 5 ईयर्स। कैसे करेंगे उसका भी ढांचा है, क्योंकि हम एमएसएमईज और ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती हो। पिछले 5 वर्षों से उत्तराखंड से एम्प्लॉयमेंट कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ है। ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े रख रहा हूं। इसलिए हुआ क्यों हुआ ये, क्योंकि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रयोगशाला बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 ऐसे अद्भुत नमूने दिए हैं जिनके बारे में 5-5 दिन तक व्याख्यान दिया जा सकता है। तो उसके और वो सब आपको पता है। तो हमने जो ये 4 वचन करे हैं इसका एक एक का लेखा जोखा हमारे पास है, क्योंकि हम इसको जो मार्च में जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं बनते ही इन वचनों को पूरा, पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन वचनों को पूरा करने का काम उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार करेगी। आप 4 लाख 5 लाख परिवारों को आदरणीय, थोड़ा सा पीछे शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, माइक में थोड़ी कमी होगी, पर 4 लाख 5 लाख परिवारों को जी। ये इन द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। उसकी शुरुआत पहले से कर, आदरणीय ये जो 56,000 करोड़ का जो बजट है उसको जब ये 40,000 5 लाख परिवारों को स्वावलंबन राशि दी जाएगी और जब कैपिटल इनफ्लो प्रदेश में आएगा तो नेचुरली मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि एमएसएमईज और लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वहां से आएगा। आदरणीय हरीश रावत जी अपनी बात। हमारा जो कांग्रेस की सरकार रहेगी पार्टी का भी रिसोर्स जनरेशन पर फोकस रहेगा, और हम अपने घोषणा पत्र में कैसे हम संसाधन बढ़ाएंगे उस पर एक चैप्टर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल वादे कर रहे हैं, केवल हम एक्सचेकर से आउटफ्लो का जिक्र कर रहे हैं, हम इनफ्लो क्या होगा, कहां से रिसोर्सेज जुटेंगे उस पर भी बात कर रहे हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, आप हम पर यकीन कर सकते हैं, जो हमारा पास रिकॉर्ड है हमने 3 साल में 5%, 2013 में हमारे राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि दर 5% थी, उसको बढ़ा करके हम 19.5% लेकर के गए, और 2017 में
वो देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वार्षिक राजस्व वृद्धि दर थी। तो हमारा पास रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर पर फोकस करने का रहा है और आगे भी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसी बात की रहेगी कि किस किस तरीके से हम राज्य के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकें। एक ये बिल्कुल नहीं आप, है आप ऐसा नहीं पूछते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता, आपके पूछने से मुझे मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। आदरणीय आदरणीय मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे वादा किया था कि आज प्रोग्राम, सबकी व्यस्तताएं हैं, मैं आपसे आज तीन ही सवाल लूंगा, पर इस प्रोग्राम के बाद मैं आपके 100 सवालों के लिए यही हूं और ये मेरे कागज है जो आपके सामने रख दूंगा। एक एक की कैलकुलेशन है, क्योंकि ये हवा में तीर नहीं है आदरणीय, ये इसके बारे में घंटों का मंथन हुआ, पिछले 6 महीने से इसके बारे में मंथन कर रखे ये आंकड़े निकाले गए हैं, ये योजनाएं बनाई गई है। तो आज आप हमको इस प्रेस वार्ता में और सवाल पूछने के का दबाव ना डालें। मैं अब आग्रह करूंगा जी, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात यह है जो आपने कहा ना, ये कैसे होगा, हमारे पास जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ है, जिसमें जो बातें कही गई वो कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए वहां किसानों के ऋण माफी हुई कि नहीं, वहां 2500 रुपए क्विंटल अभी धान खरीदी हो रही है, अभी इस महीने के आखिरी तक के धान, हमने तो पानी गिरा तो उसको 7 फरवरी तक बढ़ाया, वहां धान खरीदी चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसके पहले 83 लाख, उसके पहले 80 लाख। वहाँ देखिए, यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मेरे 1 लाख करोड़ का है जी। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थव्यवस्था, हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं कहाँ 2500 रुपए दे रहे दोगे जी। आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहां किसानों से पूछ ले 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही, पूरे देश में सबसे ज्यादा। आदरणीय सरकार तो समर्थन मूल्य खरीद नहीं कर पा रही, वहां खरीदी कर रहे हैं। आदरणीय साथी हम यहाँ पर हमारे चार धाम चार काम की घोषणा करने आए हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस पे आपको अध्ययन करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको रायपुर जरूर बुलाएंगे, आप आके अध्ययन कीजिएगा, वहां पे आके आपको रहने करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था करेंगे, आप अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जरूर छापिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जी मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आज का एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है, इसको बाधित ना करिए। मैं अब आग्रह करूंगा आप अपने माइक्स थोड़ा सा हटा लीजिए, क्योंकि एक 5 मिनट का एक कल्चरल इवेंट भी रखा है, तो आप वो लोग यहाँ पे 5 मिनट का एक कल्चरल इवेंट करेंगे, तो आप अपने माइक्स हटा लीजिए। मैं इसके बाद लो सॉन्ग बनाया ना। अरे सर लोग कह रहे हैं 40,000 का,